मुजावजा आईनी तरमीम के मामले पर MQM और मुस्लिम नून के वफद के दरमियान पाकिस्तान हाउस में मुजाकरा जारी हैं। दोनों जमातों में मुजावजा आईनी तरमीम से मुतालिक जरूरी निकात पर तफसीली गुफ्तगू। MQM की जानिब से आर्टिकल 144 ए के बिल को मुजावजा आईनी तरमीमी में शामिल करने पर जोर। आपको आगाह कर रहे हैं, मुजावजा आईनी तरमीम के मामले पर MQM और मुस्लिम नून के वफद के दरमियान पाकिस्तान हाउस में मुजाकरा जारी हैं। मजीद तफसीला जानते हैं, सुहेल रफखान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइएगा, मुजाकरा जारी हैं तो मजीद क्या अपडेट्स हैं? नून लीग का वक्त एहसन इकबाल की सरबराही में यहाँ पे पाकिस्तान हाउस MQM के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए आया है और तकरीबन मुलाकात को जो है वो 40 मिनट हो गए हैं और अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो MQM ने आईनी अदालतों के क्याम पर जो है वो ग्रीन सिग्नल नून लीग को दे दिया है। गो के इस वक्त भी मुलाकात जारी है और MQM के जो मुतालबात सामने आए हैं वो ये हैं कि बल्दियाती जो जितने भी इदारे हैं उनको मजबूत करना और इख्तियारात की मुंतकली निचली सतह तक होना ज़रूरी है MQM के मुताबिक। इसके अलावा MQM ने जो है वो कोटा सिस्टम के नफाज के खात्मे पर जोर दिया है और इसके अलावा जो है वो MQM का कहना यह है कि हम हुकूमत के साथ हैं और जो जमहूरी निज़ाम है उसको मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो मुलाकात जारी है और MQM के वफ़ में MQM मुस्लिम नून के वफ़ की मुलाकात अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया सुहेल रफ़खान।